तो किसे देंगे कल वोट? भाई हम तो मामा जी को देंगे, मामा वाले हैं हम तो, बहुत अच्छा आदमी, सज्जन आदमी है। फूल पे जाएगा सब। फूल पे शिवराज जी को? शिवराज जी को जाओ। भैया तो दे ही रहे ना, पैसे डाल ही रहा है वो हमारे खाते में, तो उन्हीं को जिताओ नहीं, 1 लाख से वो 1,000 सही। और माननीय शिवराज जी से ऐसे टाइम से जुड़ा हूँ जब चड्डी बांधने नहीं सीखे थे, जेल में उनके साथ गौरगंज जेल का उद्घाटन करा था, हमारे लट पड़े थे, कांग्रेस ने मारा था हमें, प्रताप भानु तो डूब गए, अब नर्मदा के में भी नहीं मिलेगी उन्हें जगह, वो तो बेतमाम कोई गंदा नाला मिल जाए उसमें पहुंच जाए। मेरी पोलिंग पे 533 वोट हैं, तो मेरा ये प्रयास है पूरे 533 वोट मामा को। गर्मी हो या पानी गिरे मामा तो आएंगे। कांग्रेस को कौन देगा, कोई नहीं देता कांग्रेस को, चली गई अब तो झाड़ू साहब। अभी तक हमें कोई भी कांग्रेस ही नहीं मिल रहा। कांग्रेस ही है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से, हम तो मामा गांव के ही हैं। उनके ही गांव के हैं? कांग्रेस की कोई लाइन ही नहीं है ना, गांव के हैं भाई। अच्छा, तो भैया खड़ा शिवराज भैया को जिताएंगे। अच्छा, मामा वाले हैं। अरे बेगर खाए वही पहुंच जाएंगे पोलिंग में। और क्या, सीधे कमल का बटन बजा है और बस आएगी आवाज। कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो, वोट तो बिल्कुल मामा को देंगे, जीतेंगे 10-12 लाख से। सामने वाले पीछे वाले सब मामा के हैं। वक्रुन्निसा, ये बताए कल आपके यहाँ वोट है जी, तो किसे देंगे कल वोट? भाई हम तो मामा जी को देंगे। अरे, मामा वाले आप? हाँ, मामा वाले हैं हम तो। मामा ने क्या दिया आपको? हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन बहुत अच्छा आदमी, सज्जन आदमी है। कैसे पता चला सज्जन आदमी है? हमें पता चल गया, हमारे दामाद के जरिए हमें पता चला। तो अच्छे लगते हैं मामा जी? हाँ मामा जी अच्छे। कितनी साल उम्र होगी आपकी? मेरी 75। पचहत्तर, तो मामा को आशीर्वाद देंगे जी, तो कल मामा के नाम पे वोट डालेंगे। हाँ। तो घर में कितने वोट हैं आपके? मेरे बस दो ही है, मेरी पोती है, मैं हूँ। तो दोनों वोट मामा को, कांग्रेस को नहीं देंगे? नहीं, वो 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। दे दो 1 लाख रुपया, कितने दिन चलेंगे यार? कितने दिन चलेंगे आप ये बताइए, कितने दिन चलेंगे 1 लाख रुपया? बस मामा ही दिखते हैं आप बस। नाम क्या आपका? मंजूर भाई। मंजूर भाई, ये बताइए कल यहाँ वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा माहौल अभी? बहुत अच्छा माहौल है। किसके पक्ष में लग रहा? और उस पर फूल पे जाएगा सब। फूल पे शिवराज जी को? शिवराज जी को जाएगा। क्या लग रहा, कितने अंतर से जीतेंगे शिवराज जी इस बार? वो तो बहुत अंतर से आ, बहुत अंतर जीते। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रताप भानु? प्रताप भानु है तो अभी तक खबर ही नहीं है प्रताप भानु जी की। अरे कल वोटिंग होने वाली है, अभी तक खबर ही नहीं है। अभी खबर ही नहीं है, जनता को खबर नहीं है। पूरे विधि समय मामा मामा? हाँ, पूरे विधि समय मैंने काम किया, मामा ने काम किया ना, मामा काम। मुस्लिम भी इस बार मामा के साथ? हाँ, वोटिंग मामा। कितने वोट हैं घर में? घर में हमारे हैं 8 वोट। तो सारे मामा को? सारा मामा को। अनसुईया, अब ये बताए कल वोटिंग होने वाली है विदिशा में, क्या लग रहा माहौल? अच्छा लग रही है, और क्या लगेगा। किसे देंगे कल वोट? हमारे भैया को ही। हमारे भैया मतलब? शिवराज जी को। शिवराज जी को जी। कल तो गर्मी रहेगी बहुत? नहीं, टेंट लगवा लिया हमारे इधर तो उनने। अच्छा, टेंट लगा दिया है। हाँ। तो बहने सारी जाएंगी भाई को जिताने? हाँ, भाई को जिताने जाएंगे। कांग्रेस तो कह रही 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। अरे देते तब तक दे देती, वो तो बोल रहे हैंगे पता नहीं देंगे क्या, नहीं जीत गए तो भूल जाएंगे। अब भैया तो दे ही रहे ना, पैसे डाल ही रहा है वो हमारे खाते में, तो उन्हीं को जिताओ नहीं, 1 लाख से वो 1,000 सही। घर में कितने वोट हैं आपके? 4। तो सब मामा को? हाँ। कांग्रेस को एक भी नहीं? नहीं। और माननीय शिवराज जी से ऐसे टाइम से जुड़ा हूँ जब चड्डी बांधने नहीं सीखे थे, जेल में उनके साथ गौरगंज जेल का उद्घाटन करा था, हमारे लट पड़े थे, कांग्रेस ने मारा था हमें। अच्छा। उसी टाइम से मैंने, आज 40 साल हो गए बीजेपी का दामन सामा है, जब से मैं कभी लट पड़ा। हाँ, बिना कहाँ कभी पचोरी आए, हमारे विजय धाकड़ भी गौरगंज से खड़े हुए, उन तक को भी हमने वोट नहीं दिया, जो गौरगंज पूरा टोटल बीजेपी का गढ़ है, और मामा जी 10 लाख से ऊपर से वोट से जहाँ जीते जाए। तो कल किस पे लट पड़ेगा फिर? कल अब जो अत्याचार करेगा उन पे पड़ेंगे, कांग्रेस वाले करते हैं अत्याचार, उनकी सरकार आ जाती है और उल्टे सीधा गुंडागर्दी करते, दादागिरी करते, बदमाशी करते, दलालियाँ चालू हो जाती, जब से जब एरिया पूरा बीजेपी का गढ़ बन चुका अब तो। और मामा आ रहे हैं कल? अरे मामा से 3 बार मिली आया मैं तो, उन्होंने तो मेरे को हार डाल दिया कल बंगले पे पटवा जी के। अच्छा, मेरा तो बहुत पुरानी पहचान है मामा जी से, तो मामा जी का मेरे साले लगते हैं, मेरे छोटे भाई की ससुराल है जेत में, और मैं जब से मैंने बीजेपी का थामन थामा, जब से मैं कभी किसी पार्टी में गया ही नहीं हूँ।
जब ईवीएम का बटन दबाएंगे कल सुबह तो क्या सोच के डालेंगे? हम मामा को बनाएंगे, केंद्र में पहुंचाएंगे उन्हें, अच्छा कर रहा मंत्री बनाएंगे, ये गांव का विकास होगा। और वो करा उन्हें लाडली लक्ष्मी योजना का गौरगंज से शुभारंभ किया था, उस टाइम पहली बार मुख्यमंत्री बने। हमने मांग पत्र रखे थे, 3 कन्याशाला चाहिए, 30 बिस्तर का हॉस्पिटल चाहिए, नल योजना चाहिए। तो वर्तमान में 3 है। पीएचई रामपाल मंत्री थे, 60 लाख की नल योजना दी थी, वो हॉस्पिटल भी वर्तमान में बना हुआ। प्रताप भानु जी का क्या होगा? प्रताप भानु तो डूब गए, अब नर्मदा के में भी नहीं मिलेगी उन जगह, वो तो बेतमाम कोई गंदा नाला मिल जाए उसमें पहुंच जाए। जमाना जब अरे उनकी जमात ही जब होगी, क्या उन्हें जब 2-4 बार जीते, एक बार एक काम नहीं करा घोर गए एरिया में। और जब से शिवराज जी में कितने वोट हैं आपके? मेरे वहाँ हैं कम से कम 18-19 वोट। सब मामा को देंगे वोट, पूरे टोटल मामा। कांग्रेस ही क्यों नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा, उन्हें काम ही नहीं करे यहाँ ऐसे विकास के। आज हमारे एरिया में गांव-गांव में रोड बन गए, जब से बीजेपी आई जब से ही रोड बने हैं। उन्हें तो उनके टाइम में तो कागजों पर बन के चले गए, भोजपुर रोड बन गए कई बार कागज। सुरेश कुमार। सुरेश जी बताइए क्या लग रहा है, कल किसे वोट देंगे? अपना तो फूल है ही। अपना फूल है? अरे वो तो बीजेपी का फूल है। अरे तो उनका क्या, अपना मान लो, वो थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। आज भैया अपना तो तय भाजपा, विजय भाजपा, और विजय ही रहेगी भाजपा। शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जीतेंगे, उन्हीं का बटन दबेगा, उन्हीं का। और मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पोलिंग जो है ना समरस पोलिंग बनाने की प्रयास में। आपके गांव में समरस बन रहा है? हाँ प्रयास तो है मेरा कि पूरा एक तरफा वोट जाए बीजेपी को। राहुल गांधी का कोई खाता नहीं खुलेगा? उसका तो खुलना भी नहीं चाहिए ना। क्यों नहीं खुलना चाहिए? 11 दिन के करके भाई लोगों को, किसानों को डिफाल्टर कर दिए, आज उनके नोटिस जा रहे हैं। और वहाँ चल करके पहले भी तो कांग्रेस ही शासन रही है भाई, 2013 से मोदी जी आए हैं तब से देखो जगह जगह सड़कें हैं, बिजली पानी सारी व्यवस्था। कितने वोट हैं आपके? 7। तो सब मामा को? सब मामा को। और मेरी पोलिंग पे 533 वोट हैं, तो मेरा ये प्रयास है पूरे 533 वोट मामा को। एक भी कांग्रेस को नहीं देने देंगे? प्रयास तो यही है कि एक भी कांग्रेस को नहीं देने देंगे। क्या अपील करेंगे जो लोग कल वोट करेंगे? अपील तो मैं यही करना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं, जो अपने सबको अपना समझ के चल रहे हैं, भाई बच्चियों के मामा हैं, भाइयों के भैया हैं, तो सबके लिए अच्छा है, पैसे डल रहे हैं भाई, फ्री अनाज मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई गिनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी योजना है, गिनते गिनते थक जाओ। उन्हीं के नाम पे वोट डलेगा? उन्हीं के नाम पे वोट डलेगा। नवीन माझी। अब ये बताइए कल आपके यहाँ वोटिंग होने वाली विदिशा में क्या माहौल लग रहा है अभी तक? फाड़ू माहौल है। अच्छा किसके पक्ष में लग रहा है? बीजेपी फाड़ू एकदम दमा दम एक तरफा। कल वो गर्मी भी रहेगी? बस डबल फटेगी कल 400 पार के साथ। यहाँ से मामा जी चुनाव लड़ रहे हैं? मामा जी लड़े, कोई लड़े, बीजेपी तो बीजेपी बाबा। कितने अंतर से लग रहा है इस बार जीतेंगे? पूरी पूरी हमारी तरफ से तो। हमारे घर में कितने वोट हैं आपके? हमारे घर में 20 वोट हैं। सब मामा को जा रहे हैं? हाँ 21 बार भी आने की तैयारी है, वो भी मामा को ही जाएगा। आपका नाम क्या है? युग सिंह ठाकुर। मामा? मामा आएंगे। मामा ही क्यों आएंगे? गर्मी हो या पानी गिरे मामा तो आएंगे। कल सुबह सुबह वोट डालेंगे मामा के? जी मामा। घर में वोट? घर में मेरे 16 लोग हैं। तो सब मामा को देंगे? सब मामा को, बीजेपी ओनली। अच्छा जी। बीजेपी क्यों? बीजेपी काम अच्छा है, हिंदू राष्ट्र करने की चल रही है, फिर से भगवा चाहिए, पूरा भगवा चाहिए। राहुल गांधी 1-1 लाख रुपए बांट रहे हैं? नहीं चाहिए ना भाई, क्या करेंगे वो 1 लाख रुपए का? उसने क्या किया राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए का? क्या करेंगे भाई, खाना तो तब भी खुद हाथ से कमा के खाना पड़ेगा, और आज भी कमा रहे हैं, क्या करेंगे वो 1 लाख रुपए का? ऐसे कई 1 लाख रुपए चलते फिरते रहेंगे। कल सुबह सुबह मामा को वोट? मामा को वोट एक तरफ। आपका नाम क्या है? अभिषेक गौर। किसको देंगे वोट कल? बीजेपी को। मामा को देंगे और किसको देंगे? फिक्स बना रखा है मामा ही को? मामा को ही देना है, सुबह सुबह तक देना है, 6 बजे पहली फुर्सत में। अब ये बताए घर में कितने वोट है? मेरे घर में 150 के करीब में होंगे। 150 वोट है? सारे मामा को? सारे मामा को। कांग्रेस को कोई नहीं देगा? कांग्रेस को कौन देगा? कोई नहीं देता कांग्रेस को, चली गई अब तो झाड़ू साहब। अच्छा गई, सफाया हो गया? सफाया हो गया गोहरगंज से तो। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? पप्पू जी हैं, कुछ भी समझ लो।
पप्पू जी हैं तो। कल आपके यहाँ वोटिंग होने वाली है? हाँ। किसे देंगे वोट? भाजपा में देंगे। घर में कितने वोट हैं आपको? 5 वोट हैं। सब मामा जी को? हाँ, मामा जी को जाए। तो कल सुबह सुबह जाएंगे मतदान करने? जी। राहुल गांधी तो 1-1 लाख रुपए बांट रहे हैं। बांटे उनसे क्या है हमें? नाम हमारा आहत खान नाम है। अब ये बताइए कल वोटिंग है आपके यहाँ? हाँ है ना। किसे देंगे वोट कल? शिवराज जी के ही उम्मीदवार हैं हम तो। शिवराज जी के ही? ऐसा क्यों? ऐसा ही है। अरे वो तो सांसद के उम्मीदवार हैं, आप उनके उम्मीदवार हो गए? हाँ वो तो है, हम तो बहुत पुराने उनके उम्मीदवार। तो कल झमाझम वोट डलेगा? झमाझम डलेगा। और घर में कितने वोट हैं आपके? घर में 8 वोट हैं। सब मामा के हैं? सब वहीं जाते हैं। अरे अभी तक हमें कोई भी कांग्रेसी नहीं मिल रहा। कांग्रेसी है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? अच्छा आपने देखा कांग्रेसियों को? अरे हम किसी को नहीं देखते भाई, मामा बस मामा। तो कल वोटिंग होने वाली है, किसे देंगे वोट इस बार? जो हम देते आ रहे उसी में देंगे। किसे दे रहे हैं? फूल में देते हैं। फूल में दे रहे हैं जी। यहाँ से शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। किशन लाल क्या कहेंगे कल मतदान है आपके यहाँ? जी हाँ। किसका माहौल लग रहा है? अपन तो एक ही बात है फूल वाले। फूल वाले? अब तो फूल वाले। मामा जी? मामा। मामा ही क्यों चाहिए? नहीं वो तो हमारे बचपन से और आज तक के वोट उन्हीं को गए। बचपन से दे रहे उनको? जब से वोट डाला इन्हीं को दिया। राहुल गांधी 1-1 लाख रुपए बांट रहे? वो हमें नहीं चाहिए। 12.5 स्वच्छे 1 लाख नहीं चाहिए। घर में कितने वोट हैं आपके? मेरे हैं 35-40। 35-40 सब मामा के? मामा के। एक भी कांग्रेसी नहीं दिख रहा है? नहीं हम कांग्रेस यही नहीं रहेंगे। अच्छा। हम तो फूल वाले हैं। तो क्या लग रहा है कितने अंतर से जीतेंगे इस बार? कम से कम 2 लाख यहाँ से। भोजपुर विधानसभा? भोजपुर से। ठीक। आपका नाम क्या है? मटीन। आप किसके वाले हैं? हम तो मामा गांव के ही हैं। उनके ही गांव के हैं? तो फिर तो मामा तो आपके बहुत करीब हो गए। करीबी बिल्कुल 2 किलोमीटर लीड में। अच्छा जीतेंगे यहाँ से? वो यहाँ से क्या, सब जगह जीतेंगे तीनों जिले से। वो प्रताप भानु का क्या होगा फिर? अब वो मालिक जानो उनका क्या होना है, मगर मामा को निकल नहीं है। मामा भैया बहुत करी लीड से जीतेंगे मेरे ख्याल से। एक ही रिकॉर्ड बनेगा मामा का पूरी स्टेट में। अच्छा। हाँ मध्य प्रदेश ज्यादा जीत होगी मामा की होगी। उसमें कितने वोट हैं आपके? 13। 13 के 13 मामा? मामा माने मामा। गाँव का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना, भले मतीन है तो क्या। कांग्रेस को? अब कांग्रेस की कोई लाइन ही नहीं है ना, गांव के हैं भाई। अच्छा। तो भैया खड़ा हुआ सोच ही नहीं जाती उधर। बस मामा मामा। अब्दुल बाकी खान। अब ये बताइए कल वोट है आपके यहाँ? जी। तो क्या लग रहा कौन जीतेगा इस बार? शिवराज भैया को जिताएंगे। अरे आप तांगे में बैठे हैं, सच सच बोलिए। मोदी दादा को जिता देंगे। मोदी दादा को? हाँ ठीक है। कितने वोट है कल घर में? 5। सब मामा जी को जा रहे हैं? सब मामा जी को जा रहे हैं। सुबह सुबह? सुबह सुबह। कांग्रेस को नहीं देंगे? कांग्रेस को आगे देंगे। 1-1 लाख रुपए बांट रहे हैं? कौन ले बांट रहे हैं? राहुल गांधी बोल रहे हैं देंगे। नहीं नहीं कोई नहीं देगा। सब मामा जी। 1 रुपया रिश्वत कभी नहीं लिया अपन ने। बस मामा मामा। आशु खान। क्या लग रहा किसका माहौल लग रहा है यहाँ? वही बीजेपी। बीजेपी? अरे तेज बोलिए। बीजेपी का। कल सुबह सुबह वोट डालेंगे, युवा हैं, किसे डालेंगे? मामा को डालेंगे। मामा को? तो आप भी मामा वाले हैं? सब मामा वाले हैं। तो घर में कितने वोट हैं? 15-1। 15 के 15 मामा। यार एक भी कांग्रेसी नहीं दिख रहा है। अब कांग्रेस का काम बचा है? कांग्रेस खत्म। खत्म? तो कल खत्म हो जाएगी कांग्रेस? कल तो ऐसा ही लग रही है। नाम क्या आपका? हलीम। हलीम जी ये बताइए कल वोट है आपके यहाँ? हाँ। तो किसे देंगे कल वोट? अब देखो साहब घर वालों का जहाँ मशवरा होगा जहाँ घर वाले कह देंगे। नाम क्या आपका? मेरा धनलाल। क्या लग रहा कल किसे देंगे वोट आप? अपन तो फूल में देंगे, शिवराज सिंह को देंगे। ठीक है ओके। इधर उधर कहीं नहीं? नहीं कहीं नहीं। अरे कांग्रेस भी दे रही है यार। अरे दे रही है तो क्यों? 1-1 लाख रुपए दे रही है। अरे हमें जिंदगी में हो गए उसी में वोट दे दूँ। फूल से कहीं इधर नहीं जाना? नहीं इधर ना जाना उधर जाना किधर ही। वैसे ही 90-95 साल के हो गए। देखो लोग घुसने की जगह देंगे चले जाएंगे, नहीं तो भीड़ भाड़ का होता है। इन्होंने तो बता दिया बीजेपी को देंगे, आप किसे देंगे? अरे जब बीजेपी को देंगे हम भी दे देंगे बीजेपी को। बीजेपी को दे देंगे मामा जी को? हाँ
सुबह सुबह वोट डालेंगे मामा? बिल्कुल सुबह सुबह इन सवेरे ही, बिना खाए सब? अरे बगैर खाए वहीं पहुंच जाएंगे पोलिंग में। और क्या, सीधे कमल का बटन बजा है और बस आएगी आवाज पी। नाम क्या भाई साहब? घासीराम। किसे देंगे कल वोट? आप फूल पे ही देंगे अपन तो। आप भी फूल वाले हैं? हाँ फूल वाले। चाचा अपन ने कितने दी? अरे चाचा आप बोल रहे घर में पूछेंगे। चाचा भी हमारे दोस्त हैंगे। दोस्त है? हाँ दोस्त है। पटा लेंगे दोस्त को? हाँ चाचा से पूछ रहे ना इसलिए तो वही तो कह रहे। घर में कितने वोट हैं आपके? हमारे वोट है 4 वोट है। सब मामा को? हाँ सब मामा को। कांग्रेस को कोई नहीं दे रहा? नहीं अभी तो नहीं दे रहा साहब। हाँ नाम क्या सर आपका? मेरा नाम तो विनोद यादव है। तो यादव जी बताइए क्या लग रहा कल वोट किसे डालेंगे यहाँ? यहाँ पे तो सभी तरीके से वोट डलेंगे, जिनने अच्छा काम किया उनको ही डलेगा। क्या लग रहा शिवराज जी या प्रताप भानु शर्मा? जिसने काम किया उसी को वोट डलेगा। जो आदमी का आकलन करना चाहिए किसने अच्छा काम किया है। क्या लग रहा किसने किया दोनों में से? दोनों विकास किसने किया ये जनता तय करे ना। मेरा नाम गणपत सिंह नायक। तो क्या लग रहा कल वोटिंग है आपके यहाँ तो किसका माहौल लग रहा? बिल्कुल शिवराज सिंह का माहौल लग रहा है, एक तरफा है और 400 पार है इस बार तो। अच्छा। जी बिल्कुल। तो कल जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या सोच के दबाएंगे इस बार? क्या सोच के दबाएंगे? भाजपा सरकार को जिताने का सोच के दबाएंगे। तो घर में कितने वोट हैं आपके? 10। तो सब मामा जी को? टोटल मामा जी को। मामा जी से इतना लगाव क्यों है? बचपन से ही है, सियाने बूढ़े सभी का अपना वो है ही भाजपा। यहाँ हमें कोई अभी तक कांग्रेस ही नहीं दिखा। मुश्किल है मिल पाए आपको, सभी भाजपा ही मिलेगा आपको। कांग्रेस वाले भी बीजेपी को दे रहे हैं? हाँ और क्या, आधे से ज्यादा आ गए तो थोड़े और बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, रहना है अपने मध्य प्रदेश में ही है। कहीं बाहर जाना है तो फिर बात अलग होगी, फिर वो नहीं दे पाएगा वो किसी को। कल गर्मी बहुत होगी? हाँ ज्यादा है, आज भी 40-41-42 था, कल तो और ज्यादा हो जाएगी। पर देंगे वोट? बिल्कुल देंगे। कितनी भी गर्मी हो? कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो वोट तो बिल्कुल मामा को देंगे। नाम क्या सर आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी कल वोट है आपके यहाँ? हाँ है ना। तो बताइए किसे देंगे वोट? वही मामा को। तो कितने वोट हैं घर में? 4। तो 4 के 4 मामा? हाँ। नाम क्या सर आपका? राहुल भार्गव। तो क्या लग रहा माहौल यहाँ का? मामा तो जीत गए साहब, कम से कम 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं मामा। वोटिंग कल है आप जिता दे रहे हैं? हमने पहले ही बोल दिया ना अपन 4 तारीख को मिल लेंगे जून में। अच्छा। 4 जून को रिजल्ट दिन मिले दिन मिल जाएंगे अपन गारंटी के साथ? गारंटी के साथ। अच्छा तो कितने वोटों से जीता रहे हैं इस बार? कम से कम 10 लाख वोट से। 10 लाख? कल गर्मी होगी? गर्मी होगी तो व्यवस्था है ना। ठंडी की व्यवस्था? ठंडी की व्यवस्था है, कोल्ड ड्रिंक की है, ठंडे पानी की है, नींबू पानी की है, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पे। नींबू पानी पियेंगे और मामा को जिताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मामा जिंदाबाद, जय भाजपा विजय भाजपा, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। प्रताप भानु का क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान ना वो पहले कभी थे ना है और ना कभी होंगे। अच्छा बिल्कुल, वो तो बोल रहे थे शिवराज जी को हरा देंगे। उनको जानता कौन है पहले, वो खत्म की नुक्ति बैठ चुकी है प्रताप भानु शर्मा जी की। वो टाइम गया जब खलील मियां फाख्ताएं उड़ा करते थे, कांग्रेस का टाइम खत्म है साहब। घर में कितने वोट हैं आपके? 5। सब मामा? सारे मामा। आपके घर में कितने वोट हैं? 6 वोट। वो भी मामा के? पूरे मामा के। अरे मामा ही को क्यों दे रहे हैं? मामा का, मामा मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। आप देख रहे हैं ना मामा की वजह से तो 165 सीट आई अभी मध्य प्रदेश में। तो मामा कोई छोटा मोटा चेहरा है, मामा लोकप्रिय नेता है। लाडली बहन को देख लो आप, मामा के वजह से तो आज इतना मध्य प्रदेश ऊंचाइयों पर गया है। 18 युवा भी कल मामा को दे रहे? पूरा युवा मोदी जी के नेतृत्व में, पूरा युवा नेतृत्व में है उनके। आपका दोस्त भी होते होंगे? सारे दोस्त हैं आपके? बहुत सारे दोस्त हैं, 50-60। सब मामा वाले? पूरे मामा वाले, शिवराज मोदी जी वाले हैं पूरे। तो युवाओं की तरफ से मामा जी को क्या कहेंगे? मामा जी 11 लाख वोटों से ऊपर ही रिकॉर्ड बनाएंगे और मुझे लग रहा है कि भारत में दूसरे या पहले नंबर पे मामा जी आएंगे। उनको टेंशन लेने की जरूरत? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपका ब्रजेश गौर। आप कांग्रेस ही हैं भाजपा ही हैं? बीजेपी। बीजेपी, तो कल मामा को वोट देंगे? हाँ। मामा ही को क्यों दे रहे हैं? देते ही चले आ रहा है मामा को, आगे भी देते रहेंगे। हाँ। क्या लग रहा है कितने से जीतेंगे इस बार? जीतेंगे 10-12 लाख से। आप तो 12 बता रहे हैं। 12 से जीता रहे हैं? हाँ। बालाराम। तो बताइए किसका माहौल है कल? कल तो वोटिंग हो जाएगी। मामा का माहौल है? मामा को मिलेंगे सब। अच्छा, इस गाड़ी की तरह धड़ाधड़ जाएगी? धड़ाधड़।
कितने की स्पीड में जाएगी धड़ाधड़? अरे 120 की। 120 की? हाँ। तो अब ये बताइए कल गर्मी बहुत होगी? गर्मी भले ही हो, सब सब वोट डलेंगे। अच्छा, घर में कितने वोट हैं आपके? 6। सब मामा के? सब। कोई ऐसा तो नहीं कांग्रेस ही नहीं? वो सामने वाले पीछे वाले सब मामा के हैं। हाँ, और प्रताप भानु जी का क्या होगा? प्रताप भानु जी तो बुड्ढे होगा उनका, अब कोई बचा नहीं है कुछ उनके पास, अब कोई नेता ही नहीं है कांग्रेस में। नाम क्या आपका? मदन गौर। तो क्या लग रहा कल वोट किसे डालेंगे इस बार? मामा को। अरे मामा वाले हैं आप भी? हाँ, मामा वाले हैं हम। पहले किसे देते थे? मामा ही को देते आ रहा है शुरू से। अच्छा, मामा ही क्यों? मामा अच्छे हैं और क्या वो। अरे प्रताप भानु जी भी तो हैं। नहीं, हम तो शुरू से मामा ही को देते हुए आ रहे हैं बस। और क्या लग रहा घर में कितने वोट हैं आपके? घर में हैं 10-12 वोट हमारे। सब मामा वाले हैं? सब मामा वाले हैं। नाम क्या भाई साहब आपका? सोम गौर। क्या लग रहा है यहाँ माहौल, किसका लग रहा है? माहौल तो प्रताप भानु शर्मा जी का ही है। अच्छा जी, अभी तक हमने 30-40 लोगों से बात कर ली, एक भी कांग्रेसी नहीं दिखा। आप तो मिल गए ना, आप किस चीज के लिए हो? तो लग रहा है आपको एक वोट से जीत जाएंगे प्रताप जी। अरे एक नहीं, बहुत से हैं। बहुत है,